सेक्स करने से कोई अपवित्र नहीं होता है ना ही लड़का होता है ना ही लड़की होती है सेक्स एक कॉमन क्रिया है मतलब फॉर एग्जांपल मिनट का क्रिया है जिससे आपका जिंदगी डिसाइड नहीं होता है आपका आपका जिंदगी डिसाइड ये होता है है कि आपका नाम क्या है, आप क्या है, आप आप करती हैं कैसे आगे बढ़ती की हाँ हम वर्जिन नहीं है क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं हाँ हम वर्जिन नहीं है क्योंकि हम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं हा, हाँ हम वर्जिन नहीं है क्योंकि हम मर्दों के साथ कंधे मिलाकर चल रहे हैं तो ऐसे में तो हमारी वर्जिनिटी लूज हो गई ना तो ये सवाल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि लड़कियाँ वर्जिन है कि नहीं और तब उन मर्दों को लड़कियों का सफलता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता है जब लड़कियां फाइटर प्लेन चलाती चलाती हैं हैं ट्रेन ऑटो चलाती है, चलाती है, चलाती है, अपना बिजनेस करती है। तब उनके दिमाग में ये सवाल नहीं आता है लेकिन वही लड़की जब उनके साथ बेड पे आती है तब उनको चाहिए होता है कि अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम कितनी पवित्र हो और कितनी नहीं हो और हो कि नहीं हो और कितनों के कि साथ सेक्स की हो कितनी बार की हो सेक्स को कैरेक्टर नहीं समझा जा सकता है हमको लगता है लेकिन कभी भी शादी होती है आप गौर करिएगा अगर कोई बच्चा 20-21 साल का है तो वो बात करता है कि जब हम लोग की शादी होगी तो हम लोग की पत्नी वर्जिन नहीं मिलेगी जो भी लड़के होंगे जो हमारे उम्र के होंगे उनको पता होगा ये बात और ये बात कहकर वो लोग हंसते हैं और अफसोस करते हैं और कई ऐसे लिक्चर लोग होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि अच्छा वर्जिन नहीं मिलेगी वर्जिन लड़की को लोग लो सील पैक कहते हैं अगर हम साफ साफ बोले तो तो सील पैक लड़की नहीं मिलेगी तो कईयों का सील वो तोड़ने का प्रयास भी करते हैं ताज होटल बहुत महंगा होटल है सब लोग जानते हैं तीस रुपया एक नाइट का रूम है उस होटल में जो थाली मिलता है ना

आप लड़का का पता ही नहीं कर सकते हैं कि वो वर्जिन है कि नहीं है आप सोचिए मतलब कितना वो बात है लड़की में हम दो उंगली आपने अगर वो जजमेंट पड़ा हो तो टू फिंगर टेस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है तो टू फिंगर टेस्ट इज इक्वल टू रेप कहा जाता है कई अगर गायनोकोलॉजिस्ट से आप बात करें तो बोलेंगे टू फिंगर टेस्ट मतलब रेप होता है तो हम इसी हमारा जो चलता आ रहा है ट्रेन का पटरी वो इसी ढर्रा पर चल रहा है कि ना ना ऐसा लड़का के साथ तो हो नहीं सकता लड़की के साथ ही होगा हाइमिन टूटना किसी कैरेक्टर को जज नहीं करता है क्योंकि लड़कियों का हाइमिन तो साइकिलिंग से भी टूट सकता है घुड़सवारी करती हैं लड़कियां साइकिलिंग करती हैं एक्सरसाइज करती हैं बहुत सारा ऐसा काम करती हैं घूमती हैं फिरती हैं तो उसकी वजह से भी टूट सकता है तो आप ये कैसे जज कर सकते हैं जिस लड़की का वर्जिनिटी लूज हो गया है वो जरूरी है कि वो सेक्सी की होगी नहीं बल्कि उल्टा यह है कि लड़कों का वर्जिनिटी किसी भी ऐसे काम से नहीं टूटता है उनका वर्जिनिटी तो बेड पे ही टूटता है तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए बजाय कि किसी लड़की से पूछा जाता है सेक्स को इतना नॉर्मल कर लिया जाए कि अगर सामने वाला पूछ रहा है कि तुम्हारी वर्जिनिटी क्यों लूज हुई है तो हम बहुत आसानी से बता पाए ये ना कहें कि घुड़सवारी एक्सरसाइज एंड ऑल हम ये बता पाए कि हाँ हमने सेक्स किया था तो यहाँ दिक्कत यह है कि अगर लड़की सामने से बोले कि हाँ मैंने सेक्स किया था मेरी वर्जिनिटी इसलिए लूज हुई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मर्द ऐसा होगा जो बहुत आसानी से इसको स्वीकार पाएगा क्योंकि मर्दों की एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो हर चीज को अपने मेल लिगो से देखने लगते हैं महाराष्ट्र के कोलापुर में दो लड़की होती है दोनों की शादी होती है एक ही घर में दोनों भाई होते हैं वहीं जो पुरानी वहाँ पर प्रथा है व्हाइट बेडशीट वाला जो लगता है सब कुछ अगले दिन पता चलता है एक लड़की तो वो उस टेस्ट में पास हो जाती है दूसरी लड़की फेल हो जाती है होता क्या है दोनों को तलाक देने के लिए अब एक लड़की जो पास हुई थी वो भी उसका पति भी छोड़ता है और जो फेल हुई थी उसको तो छोड़ता ही है पंचायत बैठा जाता है पंचायत उसकी मत, माता पे शायद उसके पापा नहीं होते हैं फिर भी अकेली महिला पे वो जुर्माना लगाया जाता है कि चालीस हजार आपको देना है और इसकी कहीं शादी नहीं होगी वो फैसला आ जाता है लेकिन वहाँ पे लड़की वो मतलब अनपढ़ थी वो पुराना थोड़ा सा बस्ती टाइप का है लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाया आगे बढ़े वो किस करने गए तो वहां से उनको एक वहां का एनजीओ था लोकल उसका सपोर्ट मिला तीस साल से पहले क्या ये संभव है कि कोई सेक्स नहीं करेगा नाइनटी फाइव परसेंट लोग सेक्स करेंगे पांच प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो सेक्स नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात है ना कि हमको लगता है कि ये बात लड़की को बोलना चाहिए हमको लगता है कि इस बात का हम, हम भी पढ़े हैं कि भाई हॉर्स राइडिंग से हाइमन टूट जाता है लेकिन हम नहीं बोलना चाहते हैं इस बात को हम हम ये बोलना चाहते हैं कि काहे आप 28 साल का अरे जब लड़का एक लड़की 19 19-20 साल क्रॉस करते हैं तो उनमें हॉर्मोनल चेंज होता है खूब बढ़िया से बायोलॉजी में पढ़ाया गया था हमको उसके बाद उनके अंदर सेक्स करने की इच्छा भी होती है आप भी पढ़ लीजिए जाकर तो हम इस बात पर काहे बात नहीं कर रहे हैं कि हॉर्स रनिंग से नहीं टूटा हम सेक्स क्यों टूट गया तो दिक्कत क्या है खून ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइमन के टूटने से निकलता है खून रफ सेक्स से भी निकलता है आप पढ़िएगा खून कई बार ऐसा होता है कि आप गलत जगह इंसर्शन कर देंगे पीनिस का तब तो भी खून निकलता है तो हम लोग मतलब हम लोग दिक्कत पता है क्या है कि नहीं होता है कि बोला कि वर्जिनिटी का मतलब ही बहुत गाँव में लोग को नहीं पता है गाँव का क्या शहर के लोग को नहीं पता है तो इसीलिए वो लोग एक माइंड लेके चले हैं कि देखिए पहला बार सेक्स करेंगे तो खून निकलेगा नहीं निकलेगा तो लड़की गलत है हमारे टीचर है जिनको सीख देने के लिए रखा जाता है लेकिन जैसे ही एट नाइन में रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है तो बोलते हैं कि

कई देश है लोग बोलता है कि ठीक नहीं है लेकिन आप देखिए लोग कितना कि उसके पास टाइम नहीं बचपन से लेकर शादी तक एक लड़की को ही सिखाया जाता है कि तुमको कैसे बैठना है कैसे चलना है कैसे कूदना है कैसे खेलना है और कैसे अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बात करना है और कहाँ जाना है और कहा नहीं जाना है कोई किसी लड़के पर यह सवाल नहीं उठाता कि ऐसे क्यों बैठे हो ऐसे क्यों बोल रहे हो उसके साथ क्यों जा रहे हो और पूरी रात कहां बिता रहे हो लेकिन जब बात शादी की आती है तब भी जब लड़की की शादी सेट हो जाती है तो उसकी माँ और बहन आकर धीरे से पूछती है कि सब ठीक है ना सब ठीक है का मतलब ये नहीं होता है कि लड़का ठीक है शादी में तुम शादी करना चाहती हो या नहीं उसका मतलब ये होता है कि तुम वर्जिन हो ना उसके बाद जब शादी के वक्त उसका पति पूछता है कि वर्जिन होना और जब सुहाग रात की बात अगले सुबह चादर पर जो वाइट बेडशीट बिछा रहता है उस पर खून नहीं दिखता है तो पूरा समाज उस लड़की को वर्जिनिटी के नाम पर दुदकारता है उसके कैरेक्टर से लेकर उसके संस्कार तक ये सवाल चले जाते हैं और उस लड़की का जीना मुहाल हो जाता है क्यों कोई वो लड़के से जाके नहीं पूछता कि क्या इसके पहले तुमने किसी लड़की के साथ संबंध बनाया है या नहीं तुम वर्जिन हो या नहीं उस लड़के पर कभी सवाल नहीं जाता और, और अगर लड़की फ्रैंक है उसने ये सवाल कर दिया तो उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा ऐसा क्यों ऐसा क्यों होता है बार बार लड़कियों को वर्जिन होना ना होना उनके कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठते हैं यही आज का मुद्दा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे उसके पहले नमस्कार स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है श, बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना पांडे फिलहाल हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत सनी डॉली और नेहा सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे करेंगे कि क्यों बार-बार महिलाओं पर ये सवाल आते हैं कि तुम वर्जिन हो या नहीं क्यों पुरुष को ये सवाल का सामना कभी नहीं करना पड़ता माइंडसेट पहले से बन गया ठीक है तो आप, जो आप, मेंशन की, तो आप गौर करिएगा कि होटल में भी पहले व्हाइट बेडशीट नहीं बिछाया था सामी की थी कि रंगीन बेडशीट बिछाया जाता था उसके बाद जो दोनों होम को लगता है कि साथ में हुआ कि होटल में भी व्हाइट बेडशीट बिछने लगा और घर में भी सुहाग रात के दिन लोग व्हाइट बेडशीट बिछाते हैं ताकि अगले दिन खून का मार्क्स चेक कर सकते हैं अगर हम पूरा साफ साफ बताए तो और उसके बाद मालूम चलता है एक खबर आप भेजते हम पढ़े एक लड़की पर दस लाख रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि सेक्स के बाद अगले दिन वहां ब्लड के मार्क्स नहीं थे और पंचायत बुलाया गया बाकायदा राजस्थान में और पंचायत बुलाकर ये डिसीजन लिया गया कि दस लाख रुपए लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों को देंगे कि उनकी लड़की वर्जिन नहीं थी अब समझिए होता क्या पता है क्या है अमिताभ बच्चन का एक जिक्र था वो भी हम कर देते हैं अमिताभ बच्चन जब वो फिल्म आई थी तो उस... कौन फिल्म आया था जी को पिंक पिंक वाला फिल्म आया था तो जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो उनको एक दोस्त मैसेज किया जाए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब कि पीछे वाले पार्क में पांच लड़कों ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार कर दिया है उसी वक्त तो उस वक्त रोने लगे थे और फिर बहुत बयान दिया था तो पता है क्या है कि हमारा परवरिश बहुत मायने रखता है हम एक आदमी देखता है शुरू से ही फॉर एग्जाम्पल हम लोग कल एक जगह बैठे हुए थे तो हम लोग थैंकलेस हैं बिहार के लोग क्योंकि हमने कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला और हमको लगता है कि आधा तो दोष हम लोग का है लेकिन आधा हमारे माँ बाप का भी है कि उन्होंने थैंक यू बोलना नहीं सिखाया हम चाहते हैं कि हम थैंक यू बोले लेकिन हमको कोई बताया ही नहीं कि कोई अगर पानी ला दे चाहे वो कोई भी हो आपका माँ हो बाप हो बहन हो आपका सर्वेंट हो तो आप उसको थैंक यू बोलिए तो हमारा माहौल यही रहा है कि लड़की से पूछना जरूरी है कि तुम सेक्स की हो कि नहीं की हो इसे माहौल बनता है तो हमको लगता है ना कि हम लोग बचपन से ये सीखते आ रहे रहे हैं हैं लड़कों के लिए बोल रहे हैं हम बचपन से हम लोग ये देखे हैं कि लड़की का मतलब कौमार्य इसको हिंदी बोलते हैं कौमार्य भंग है कि नहीं है इसका बहुत इंटरेस्ट है हम लोग को और इसका सीधा सीधा मायना ये है ना कि लड़की का मतलब आप समझिएगा सेक्स को कैरेक्टर नहीं समझा जा सकता है हमको लगता है लेकिन कभी भी शादी होती है आप गौर करिएगा अगर कोई बच्चा बीस इक्कीस साल का है तो वो बात करता है कि जब हम लोग की शादी होगी तो हम लोग की पत्नी वर्जिन नहीं मिलेगी जो भी लड़के होंगे जो हमारे उम्र के होंगे उनको पता होगा ये बात और ये बात कहकर वो लोग हंसते हैं और अफसोस करते हैं और कई ऐसे लिक्चर लोग होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि अच्छा वर्जिन नहीं मिलेगी वर्जिन लड़की को लोग सील पैक कहते हैं अगर हम साफ साफ बोले तो तो सील पैकड़ी लड़की नहीं मिलेगी तो कईयों का सील वो तोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो हमको लगता है ना कि ये सब कुछ हमारे एटमोसफेयर और इन्वायरमेंट में बिलोंग करता है क्योंकि हम यही देख के बड़े हुए हैं हमको लगता है कि अगर लड़की नहीं मिली हमको सील पैक तो खराब हो जाएगा और हमारा जो मतलब समाज है वो हमको यही सिखाया है कि अगर घटिया है, वो के साथ सो चुकी है, और उसका दिमाग ऐसा ही है जबकि इसका साइंटिफिक कॉज बहुत ज्यादा है जो हम लोग आगे बात करेंगे सनी, लड़की वर्जिन चाहिए लेकिन अगर वही लड़की सेम क्वेश्चन लड़के से पूछ दे तो वो जज हो जाती है ऐसा क्यों और वही लड़का जज करता है देखिए यही है जैसे बताया कि मेल ईगो और वो पूरे समाज में जो एटमोस्फियर बना के रखा गया है कि भाई तुम लड़का हो तुम्हारा ये हक बनता है ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम वर्जिन मिले तुम्हारा यह अधिकार है मतलब ऐसा बन ही चुका कि हमारा अधिकार है इसके बारे में सबसे बड़ा कारण है इसका पढ़ाई नहीं जानते हैं इसके बारे में कि एजुकेशन क्या है जबकि वर्जिनिटी ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इसका मतलब कोई सॉलिड ऐसा साइंटिफिक है ही नहीं कुछ जिससे आप पता लगा सके कि कोई वर्जिन है या नहीं क्योंकि सबका जो अपना जो शरीर का स्ट्रक्चर है अलग अलग तरीका का होता है वर्जिन शब्द समझना भी अभी बहुत सारे लगभग अस्सी परसेंट जैसे हम कह सकते हैं जहाँ से हम निकले धीरे धीरे जानते गए आगे बढ़े अस्सी परसेंट ऐसे लड़के जिनको ये भी नहीं पता होगा आखिर वर्जिनिटी होती क्या है उनको बस यही बताया गया है सबसे ज़्यादा तो सेक्स एजुकेशन को लेकर हम बात नहीं करते हैं अगर दो भाई भाई है तो वो बात करना बहुत बड़ी बात है पिता से तो बहुत दूर की बात हो गई लड़के भी बात करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कोई बड़ा उनको समझाने वाला नहीं होता है छोटे छोटे अपने में जो बात करते हैं जो कहानी सुना होता है कहीं कहीं से जो अधिकतर गलत होता है मतलब 99 परसेंट तो गलत ही जानकारी होती है वही एक दूसरे में सर्कुलेट होती रहती है और वही समझते हैं हम लोग इसमें एक और बात आप घर आइए कोई पति घर आता है आप समझिए समाज कैसे बनता है मैंने कोई पति घर आया उसको पत्नी बोलते कि सुनो आलू पराठा और भुजिया बनाओ तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है हमारा समाज मतलब हम लोग पुरुषार्थ वाले लोग हैं ना हम लोग हम खाना बनाएंगे तो ये बन बहस बना हुआ है हम एक गेस्ट के घर गए थे नाम नहीं लेंगे उनका तो हम गए तो हमको चाय बना के पिलाए बड़े मतलब बड़े अच्छे आदमी हैं हम लोग से उम्र में ज्यादा भी हैं तो चाय बना के पिलाए मेरे साथ तीन चार लोग था हम बुका बोल दिया कि ये चाय बना रहे हैं एंड उनकी वाइफ मौजूद थी वो रूम में थी लेकिन वो नहीं बुलाए तो हमको एक वक्त के लिए लगा कि नहीं ठीक तो है क्या दिक्कत है उनका गेस्ट आया है, वो चाय बना के दे दे उनको बड़ा बात नहीं है लेकिन वो तीन लोग हमारे साथ मेरे गाँव से गए थे वो परेशान हो गया टेंशन में आ गया बोला कि बाप रे बाप ये चाय बना रहा है पत्नी रूम में बैठी है कोहराम मच गया बादल फट गया बिजली कड़क गया हम तो आप समझिए कि वो आदमी क्या देखा है उसको लग रहा है कि भाई जब पत्नी मौजूद है तो ये आदमी चाहे उठाया कैसे उठी, पाप कर दिया उसने तो तो कप उठा के पीना चाहिए बस तो वही जो सनी का क्वेश्चन था कि एक लड़का से क्यों नहीं तो लड़का क्या बात कर रही है कैसे पूछ सकती है लड़का से आप? लड़का सवाल के तो हमारा समाज ये अपना चुका है कि ये सवाल लड़कों के लिए है ही नहीं आप मतलब आप लड़के हैं ये सवाल खत्म आप वर्जी ने मतलब ही नहीं है हम हम अगर हमको किसी का व्यक्तित्व देखना है तो हम लड़की के सील से देखेंगे कि उसका व्यक्तित्व कैसा है लड़का का और खास बात सुन लीजिए साइंस अभी तक तो इतना डेवलप रेप के बाद अगर आपको पता हो जब टेस्ट किया जाता है तब सीमेंट से पता होता है कि उसमें इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं आप लड़का का पता ही नहीं कर सकते हैं कि वो वर्जिन है कि नहीं है आप सोचिए मतलब कितना वो बात है लड़की में हम दो उंगली आपने अगर वो जजमेंट पड़ा हो तो टू फिंगर टेस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है तो टू फिंगर टेस्ट इज इक्वल टू रेप कहा जाता है कई अगर गायनोकोलॉजिट से आप बात करें तो बोलेंगे टू फिंगर टेस्ट मतलब रेप होता है तो हम इसी हमारा जो चलता आ रहा है ट्रेन का पटरी वो इसी ढर्रा पर चल रहा है कि ना ना ऐसा लड़का के साथ तो हो नहीं सकता लड़की के साथ ही होगा लड़का है तो पवित्र होगा यहाँ तक कि महिलाएं भी कहती हैं तभी तो वो लड़का होगा तो क्या है चलता है लड़का कर सकता है लड़का है कुछ भी कर सकता है ठीक है डॉली क्या हाइमन का टूटना किसी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हाइमन होता क्या है और दूसरी चीज ये कि हाइमन का टूटना वर्जिनिटी लूज होना वर्जिनिटी लूज तो होता ही नहीं है लूज तो वेजायना होता है दूसरी चीज कि इसके पीछे का जो कारण है वो अभिप्रशांत ने बताया कि पितृ सत्तात्मक जो समाज है ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि महिलाओं को शोषित किया जाता है उनको प्रताड़ित किया जाता है तो ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है दूसरी चीज ये कि पवित्र सिर्फ स्त्री है ये स्त्री ही क्यों साबित करे पुरुष भी तो कर सकते हैं जब रामायण में सीता जी का पहन हुआ था बहुत टाइम बाद जब वो वापस आई थी तो अग्नि परीक्षा भी सीता जी को ही क्यों देना पड़ा था राम जी से कोई सवाल क्यों नहीं किया दूसरी चीज ये कि हाइमिन टूटना किसी कैरेक्टर को जज नहीं करता है क्योंकि लड़कियों का हाइमिन तो साइकिलिंग से भी टूट सकता है घुड़सवारी करती हैं लड़कियां साइकिलिंग करती हैं एक्सरसाइज करती हैं बहुत सारा ऐसा काम करती हैं घूमती हैं फिरती हैं तो उसकी वजह से भी टूट सकता है तो आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि जिस लड़की का वर्जिनिटी लूज हो गया है वो जरूरी है कि वो सेक्सी की होगी नहीं बल्कि उल्टा यह है कि लड़कों का वर्जिनिटी किसी भी ऐसे काम से नहीं टूटता है उनका वर्जिनिटी तो बेड पे ही टूटता है तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए बजाय कि, कि किसी लड़की से पूछा जाता है नेहा आपने वर्जिनिटी को लेकर एक खबर किया था उस खबर के बारे में बताइए और क्या उसमें परिवार वालों ने लड़की का साथ दिया था या लड़के का साथ दिया था ये भी बताइए बिहार तो से निकलकर ये खबर आई है तो हमको लगता है कि और सबसे उस खबर में बहुत अच्छी बात ये हुई थी ना कि जो लड़की के परिवार वाले थे वो लड़की का साथ दिए थे तो हमको लगता है कि ये सब खबर सामने आ जाएगी आ रही है और इसके साथ साथ लड़की वाले लड़की का साथ दे रही है बहुत अच्छी बात है और अगर उस केस की बात करें तो ये था कि सब कुछ हो गया था शादी विवाह सब कुछ हो गया था और लास्ट में लड़की के कुछ इकोनॉमिकल एक कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन पर बात आई थी कि लड़का कितना कमाता है ये सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे एक वहाँ पे उसको साइन करना था कि तुम बताओ मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये सारे सवाल आए थे तो लड़का पूछा था तो हमको भी चाहिए कि लड़की वर्जिन है या नहीं ये सवाल उठा था तो उसके बाद फिर उसके घर वाले जो थे वो लड़की का साथ दिए उसके साथ जो भी आए थे लड़की लड़की को बंधक बना करके रख लिया गया तो यहाँ पे ना एक पॉजिटिव हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज ये हुई कि लड़की वाले लोग साथ दिए बिहार वाले ये समझ रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं और तीन दिनों तक लड़का उसके पिता उसके घर के एक जितने भी गेस्ट आए थे सबको बंधक बना के रखा गया था तो हमको लगता है ये एक बहुत बेहतरीन सोच है जिसके साथ दो तीन जो भी दो तीन लड़के आए थे ये खबरों में आया तो वो लोग समझ गए होंगे कि तुम ये क्वेश्चन लड़की से नहीं पूछना चाहिए और हमको लगता है ये कितना पर्सनल क्वेश्चन है और हम ये पूछने में बिल्कुल नहीं कतराते आप सोचिए ना एक मोबाइल फोन किसी से मांग लेंगे तो आपको वो जज कर लेगा ये बहुत पर्सनल है तुम कैसे मांग सकते हो किसी का फ़ोन और ये पर्सनल नहीं है कि आप किसी से पूछ लेते तुम वर्जिन हो या नहीं हो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए ऐट द सेम टाइम और लड़कों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता जैसे पिंक मूवी की बात किए थे तो वहाँ पर जब पिंक मूवी में भी दिखाया गया था कि अमिताभ बच्चन जो वहाँ पे लॉयर थे वो कह रहे थे कि लड़कियों के हमेशा लड़कियों पे सवाल उठाया जाता है और ऐट द सेम टाइम ये कितना अनफेयर है कि लड़की का जैसे अभी Uh, कह रही थी कि वो घुड़सवारी से भी हो सकता है साइकिलिंग से भी हो सकता है लेकिन इस बेसिस पे आप उसको जज कर देंगे और राजस्थान की एक, एक स्टोरी आप बता रही थी कि वाइट बेडशीट बिछाया जाता है उसमें क्या होता है कि अगर पहली बार अगर कोई सेक्स करता है तो वहां से ब्लडिंग होती है तो इस बेसिस पे वो लोग जज करते हैं और शायद हो सकता है कि वो ना भी की हो और साइकिलिंग से उसका हो गया हो और आ, उसके बाद ब्लड नहीं निकला हो तो उसके उसके बेसिस पे लोग जज करें ये हमको लगता है बहुत तुच्छ सोच है इस बारे में बातें होनी ही नहीं चाहिए प्रशांत बिहार में पहली बार वर्जिनिटी सर्जरी शुरू हो रही है जिसको लेकर अभी शुरू नहीं हुई है आने वाले जनवरी में ये शुरुआत होगी और इसके पहले पाँच हज़ार से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं अस्पताल में कि क्या है कितने पैसे लगेंगे कैसे होगा कितना वक्त लगेगा और दो सौ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी नौ महीने के बाद वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा है महिलाओं का तो ये क्या महिलाओं के अंदर डर है कि हम अगर वर्जिन नहीं होंगे तो आगे हमारा शादी नहीं चलेगा टूट जाएगा या फिर उनका शौक़ है देखिए हमको हमको इस बात से बहुत दिक्कत है अब समझिएगा एक बात को पहला बात यह है कि आप गौर करिए फॉर एग्जांपल पहले लोग बच्चा बहुत पैदा करते थे फिर सरकार ने बहुत मेहनत किया पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है वाकई में डेटा देखिए आप हो रहा है वैसे ही पहला बात यह है कि पहले शादी होती थी चौदह साल में उसके बाद शादी हुई अट्ठारह साल में आज एक कम से कम मतलब मॉडरेट पढ़ा लिखा आदमी हम लोग जैसा शादी करता है सत्ताईस अट्ठाइस तीस तक चल जाता है कई लोग ऐसे हैं जो तीस के बाद भी जाते हैं हालांकि निजी तौर तो पर हमको लगता है तीस के बाद नहीं जाना चाहिए लेकिन वो सब छोड़ दीजिए और सत्ताईस अट्ठाइस तीस मानते हैं हम लोग आप एक बात बताइए तीस साल से पहले क्या यह संभव है कि कोई सेक्स नहीं करेगा नाइन्टी फाइव लोग सेक्स करेंगे पांच प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो सेक्स नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात है ना कि हमको लगता है कि ये बात लड़की को बोलना चाहिए हमको लगता है कि इस बात का हम, हम भी पढ़े हैं कि भाई हॉर्स राइडिंग से हाइमन टूट जाता है लेकिन हम नहीं बोलना चाहते हैं इस बात को हम हम ये बोलना चाहते हैं कि काहे आप 28 साल का अरे जब लड़का एक लड़की 19 20 साल क्रॉस करते हैं तो उनमें हॉर्मोनल चेंज होता है खूब बढ़िया से बायोलॉजी में पढ़ाया गया था हमको उसके बाद उनके अंदर सेक्स करने की इच्छा भी होती है आप ये भी पढ़ लीजिए जाकर तो हम इस बात पर बात नहीं कर रहे हैं कि हॉर्स रनिंग से नहीं टूटा हम सेक्स टूट गया तो दिक्कत क्या है प्रॉब्लम है हमको लगता है कि जब तक हम लोग इस बेसिस पे नहीं समझेंगे कि उनतीस तीस साल का आदमी हो सकता है कि शादी के पहले उस संबंध में हो तो हम क्या कर लेंगे उसे भाई तो ये दिक्कत है हमको लगता है कि इस बात को बहुत क्लियरली बोलना है अब हम हम क्यों बोलेंगे कि एक लड़की का हाईमन साइकिलिंग से टूट सकता है अरे भाई हम जो जो सवाल पूछ रहा है ना वो गलत माइंड सेट का है तभी वो तुमसे पूछा है वरना वो पूछता ही नहीं तो वो साइकिलिंग का बात नहीं मानेगा हम लोग का जबकि साइंटिफिकली सही बात है साइकिलिंग से टूटता है तो हमको लगता है पहला बात ये है ये दिक्कत का बात है कि हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं कि अट्ठाईस साल का आदमी अगर शादी कर रहा है हो सकता है वो किसी संबंध में हो और वो सेक्स किया हो और उसका हाईमन नहीं रहा हो पहला बात दूसरा बात है कि हमको लगता है कि देखिए डर भय वाला कोई बात नहीं है बात ये है कि लड़कियों के मन में इस बात का प्रेशर बना दिया गया है और बहुत पता आप समझिएगा इस बात को आधा तो लड़की सब करा रही होगी डर से आधा लड़की इसलिए भी करा रही होगी कि वो खुश रहेगा उसका पति उसको लग कि ना ना इसका कोई संबंध नहीं था ये तो एकदम पाक साफ है तो ये एक मतलब माइंडसेट क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है लड़कियों के लिए और हमको लगता है कि आप समझिएगा आप अगर पढ़िएगा तो मेडिकली सर्जरी कराना बहुत ज्यादा बेकार चीज है इसलिए बेकार आप बहुत सिंपल चीज़ है आप टूटा हुआ चीज़ को नहीं जोड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद एक एक जो धारणा है लोगों के अंदर खून के अंदर की तो हम पढ़े थे वो बता देते हैं खून ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइमन के टूटने से निकलता है खून रफ सेक्स से भी निकलता है पढ़िएगा खून कई बार ऐसा होता है कि आप गलत जगह इंसर्शन कर देंगे पीनिस का तब भी खून निकलता है तो हम लोग मतलब हम लोग दिक्कत पता है क्या है कि ना होता है कि ये बोला कि वर्जिनिटी का मतलब ही बहुत गाँव में लोग को नहीं पता है गाँव का क्या शहर के लोग को नहीं पता है तो इसीलिए वो लोग एक माइंड लेके चले हैं कि देखिए पहला बार सेक्स करेंगे तो खून निकलेगा नहीं निकलेगा तो लड़की गलत है ये गलत है हम मुद्दे पर लौटते हैं ये जो हम लोग मतलब जो आपका सर्जरी हो रहा है पे लोग करा रहे हैं मेरे हिसाब से मतलब आधा उन लोग का डर है और आधा उन लोगों को अपने पति का या अपने ससुराल वालों को खुश करने का चाहत है और कहीं ना कहीं उसमें भी डर ही है हमको लगता है ताकि उनको लगता है कि वो खुश रहेंगे तभी तो मेरा घर बार चल पाएगा एक चीज़ जैसे बिहार में भी अगर वेजाइना वर्जिनिटी सर्जरी स्टार्ट हो जाए तो आप ये सोच के ना कि ये कितना बढ़ावा देगा ये पूछ ये सवाल को कि आप वर्जिन है या नहीं सारी लड़के जाके करवा लेगी मुद्दा ये होना चाहिए कि इसको खत्म करना है ये बहुत नॉर्मल होना चाहिए तुम्हारे पास ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि तुम पूछ सकते हो तुम वर्जिन हो या नहीं हो लेकिन अगर ये सर्जरी बढ़ावा बिहार में आ, होने जा रहा है तो ये सवाल कितना प्रोमिनेंट हो जाएगा आगे चल के हर दूसरा इंसान यही सवाल पूछेगा और हर दूसरी लड़की जाके अपना सर्जरी करवा लेगी और हेल्थ बेसिस पे ये कितना खतरनाक हो सकता है तो हमको लगता है कि इस पर अभी हम पढ़ रहे थे शायद यूके की रिपोर्ट है कि वर्जिनिटी सर्जरी होनी ही नहीं चाहिए वहाँ पे बैन हो रहा है और आप अपने बिहार में ये लागू कर रहे हैं तो ये कितना शर्म की बात है इस चीज के लिए ये जो वर्जिनिटी सर्जरी का बात है तो अगर ठीक है करवाते हैं अलग चीज़ है लेकिन बिहार जितना लिटरेसी में कमजोर है यहाँ पर कुप्रथा फैलने में समय नहीं लगता नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा जैसे वो भ्रूण हत्या को लेकर हो गया था कि एक आदमी करवाया तो चलो हम भी करवा लेते हैं ठीक है लोग करवाने लगेंगे कुछ समय बाद इस आधार पर भी लोग जज करने लगे कि अगर हॉस्पिटल के उस वार्ड में जिधर वो जिधिनिटी सर्जरी होती है आपके जानने वाला कोई देख लिया हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं उसको ही करवाना हो आप देख गई साथ में लोग जज करने लगा कि ये भी करवा के इसका कैरेक्टर खराब है फिर वो फैलने लगेगा रिलेशन में कि इससे शादी नहीं करना है ऐसा तो धीरे धीरे करके ये कुप्रथा भी शुरू हो सकती है तो किसी एक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए दूसरा को बढ़ावा देना कहीं से भी सही नहीं है इसलिए वो वर्जिनिटी सर्जरी की तरफ ध्यान ही देना बेकार है डॉली आपको नहीं लगता है कि जो लड़के लड़कियां होते हैं जैसे कि प्रशांत ने कहा कि रिलेशन में आप होंगे शादी से पहले आपका शारीरिक संबंध बना तो लड़के बना सकते हैं क्योंकि लड़कों के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे पता चल सके कि वो वर्जिन वर्जिन है या नहीं है लड़कियों की लड़कियों का भी या वर्जिनिटी ऐसे सर्च नहीं कर सकते नहीं जा सकते लेकिन जो बातें फैलती हैं कि हाइमन टूटा ब्लड आया इससे आप जान सकेंगे कि वो पहली बार सेक्स कर रही है या इसकी पहली भी कर चुकी है लेकिन इस पर जब सवाल लड़की अगर लड़का से करती है तो क्यों बार बार लड़की ही जज होती है अगर लड़की पहले कर चुकी है शारीरिक संबंध किसी के साथ बना चुकी है फिर भी लड़की को जज किया जाता है और लड़की अगर इस पर सवाल कर दे लड़के से तो भी वही जज हो जाती है हर मामले में लड़की को क्यों टारगेट किया जाता है देखिए इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अभी प्रशांत ने कहा कि सेक्स को इतना नॉर्मल कर लिया जाए कि अगर सामने वाला पूछ रहा है कि तुम्हारी वर्जिनिटी क्यों लूज हुई है तो हम बहुत आसानी से बता पाए ये ना कहें कि घुड़सवारी एक्सरसाइज एंड ऑल हम ये बता पाए कि हाँ हमने सेक्स किया था तो यहाँ दिक्कत यह है कि अगर लड़की सामने से बोले कि हाँ मैंने सेक्स किया था मेरी वर्जिनिटी इसलिए लूज हुई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मर्द ऐसा होगा जो बहुत आसानी से इसको स्वीकार पाएगा क्योंकि मर्दों की एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो हर चीज को अपने मेल ईगो से देखने लगते हैं अगर वो अपना मेल ईगो साइड रख के और बहुत प्यार से किसी लड़की से पूछे तो मुझे लगता है लड़की बहुत सहजता से बता पाएगी कि हाँ मैंने किसी के साथ सेक्स किया था लेकिन दिक्कत यही है कि आप सुन ही नहीं पाएंगे ना आप सच स्वीकार ही नहीं पाएगा आप स्वीकारिए तो देखिए लड़की कैसे नहीं बताएगी दूसरी चीज कि लड़कियों को भी हमेशा से उनके दिमाग में बैठाया जाता है कि आपको पति को खुश रखना है कैसे रखना है क्यों रखना है ये नहीं लेकिन आपको खुश रखना है दूसरी चीज की वो बचपन से सुनती आ रही है कि ससुराल वालों को खुश रखना है पति को खुश रखना है और आप पूछ के देखिए किसी किसी भी अपने मेल फ्रेंड से किसी का कोई पति हो बॉयफ्रेंड हो आप एक सवाल करके देखिए कि आपकी वर्जिनिटी कब लूज हुई थी या आपने इससे पहले किसी के साथ सेक्स किया था ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां रिश्ते खराब खराब हो जाते हैं भाई कई लड़कियां ऐसे रिश्ते बहुत टूट गई हैं कई लड़कियों के जहां वर्जिनिटी को लेकर सवाल किया जाता है वहां लड़कियों का तलाक तक का बात आ जाता है कितने पेरेंट्स होते हैं जो परेशान हो जाते हैं तो कितनी लड़कियां ट्रॉमा फेस करने लगती हैं ये कैसा सवाल है वर्जिनिटी जबकि सनी ने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वर्जिनिटी होता क्या है वर्जिनिटी मतलब उनका चरित्र का एक प्रमाण पत्र है जो हर लड़की को दिखाना जरूरी है कि हाँ हम वर्जिन हैं लेकिन लड़कों के लिए कंपल्सरी नहीं है तो दिक्कत यही है कि लोग सच नहीं स्वीकार पाते हैं और सेक्स को इतना मामले होते हैं लड़की शादी के बाद जाती है और उसका किसी भी वजह से ब्लड नहीं आता है और उसे वर्जिनिटी मतलब वजाइना उसका लूज हो चुका है इस वजह से उसको प्रताड़ित किया जाता है इस पर वो किस मतलब एफ कैसे इस पर शिकायत दर्ज करे में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है इस मामले में कि इसको लेकर कोई स्पेसिफिक या ठोस कानून नहीं बना है क्योंकि इस पर बात ही नहीं होती रही है एक वो जो रेप को लेकर टू फिंगर टेस्ट की बात है 2013 में लीलू राजेश और हरियाणा सरकार के प्रति कुछ था केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि ये सरासर गलत है कहीं से भी साइंटिफिक नहीं है इसे नहीं करना चाहिए 2013 हज़ार कहाँ है छः सात साल बाद 2019 में ऐसे पंद्रह सौ केसेस आते हैं जिसमें खुद पुलिस ही करवा रही है रेप का अगर आता है तो पुलिस भी उसमें सपोर्ट कर रही है कि या टू फिंगर टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये बात इस पर नहीं होता है ना ही कोई इसके बारे में कोई एन ज़्यादा आगे आता है और इसका कारण ये भी है कि हम लोग खुद भी नहीं बात करना चाहते जो मतलब जो पीड़ित है वो खुद ही बात नहीं करती जिसके चलते कुछ कानून मतलब नहीं बन पाया है जैसे भ्रूण हत्या को लेकर था बात हुआ कानून बना वैसे ही एक केस है महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र के कोलापुर में दो लड़की होती है दोनों की शादी होती है एक ही घर में दोनों भाई होते हैं वही जो पुरानी वहाँ पर प्रथा है व्हाइट बेडशीट वाला जो लगता है सब कुछ अगले दिन पता चलता है एक लड़की तो वो उस टेस्ट में पास हो जाती है दूसरी लड़की फेल हो जाती है होता क्या है दोनों को तलाक देने के लिए अब एक लड़की जो पास हुई थी वो भी उसका भी उसका पति छोड़ता है और जो फेल हुई थी उसको तो छोड़ता ही है पंचायत बैठा आ जाता है पंचायत उसकी मत, माता पे शायद उसके पापा नहीं होते हैं फिर भी अकेली महिला पे वो जुर्माना लगाया जाता है कि चालीस हजार आपको देना है और इसकी कहीं शादी नहीं होगी वो फैसला आ जाता है लेकिन वहाँ पे लड़की वो मतलब अनपढ़ थी वो पुराना थोड़ा सा बस्ती टाइप का है लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाया आगे बढ़े वो केस करने गए तो वहाँ से उनको एक वहाँ का एन था लोकल उसका सपोर्ट मिला बात आगे बढ़ी और सरकार से जो भी जो प्रताड़ना वाला केस है इसमें लागू होता है क्योंकि ये भी आपको प्रताड़ित करने जैसा है आप ठीक है ठोस कानून नहीं है लेकिन आप कानूनी मदद लेंगे तो जरूर आपको जो महिला प्रताड़ना के खिलाफ है आपको सारा समर्थन मिलेगा एनजीओ के द्वारा केस हुआ जीता और स्वीकार करना पड़ा ससुराल वालों को तो आप अगर चुप नहीं रहती हैं और आप जाती हैं थाने में तो आपको जरूर इसकी इसमें मदद मिल जाएगी और ऐसे ही बात होती रही तो आगे चल के इसको लेके एकदम स्पेसिफिक कानून भी बन जाएगा इसको लेकर लेकिन सबसे जरूरी है कि आवाज उठाना पड़ेगा नहीं हाँ सनी ने बताया कि एक लड़की की शादी हुई वो वर्जिन नहीं थी उसकी शादी टूट गई ठीक है लेकिन अगर लड़की को लड़का खुल के भी बोल देता है कि मैंने पहले किया है सेक्स लड़कियों के साथ ये बात पता होने के बावजूद भी एक लड़की नॉर्मल रहती है अगर वो चाहती भी है कि नहीं उसको नहीं चाहिए ऐसा लड़का अगर वो अगर सवाल भी उठाती है तो घर वाले सुनेंगे ही नहीं और वो चुप रह जाती है तो हमारा ऐसा समाज क्यों है कि अगर लड़की खुल के बोल रही है कि मेरा हस्बैंड ये हम स्वीकार किया है कि वो उसके पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है वो वर्जिन नहीं है लेकिन यही बात अगर लड़का कहता है तो शादी तोड़ दी जाती है पता है हमारे समाज में आ, सेक्स बहुत नॉर्मल है लेकिन वही लड़कियों के लड़कियों को लेकर अगर ये बातें आती है तो नॉर्मल नहीं है लड़कियां नहीं कर सकती है और एट द सेम टाइम इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाते हैं कि आ, एक लड़की शादीशुदा उसको पता चलता है कि उसके पति का और भी संबंध है सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी और शादी से पहले था भी और शादी के बाद भी है तो भी ये बात घर में बहुत नॉर्मल है वो अपने माइकी वाले को नहीं बता सकती है और अगर उसके माता पिता को बताती है लड़के के माता पिता को तो ये आंसर आते हैं कि अरे लड़के ऐसे ही होते बाहर रहते हैं ये करते हैं इससे ये साबित होता है कि हमारे सोसाइटी में ये बहुत नॉर्मल चीज है लड़के अगर करें तो बहुत नॉर्मल हम लोग बहुत एक्सेप्ट करते हैं सबके सामने लड़के ऐसे ही होते हैं यार लड़के करते हैं यार और हमको लगता है कि और एट द सेम टाइम यही बात अगर लड़की के केस में आ जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा इस चीज को लेकर लेकिन लड़के के लिए बहुत नॉर्मलाइज है तो यहाँ पे ये यह सोचिए कि जेंडर की, जेंडर के की बेसिस पे किस तरीके से बाइसनेस होता है यहाँ पे बाइस्ड हो जाती हैं चीजें कि वही चीज लड़का करे तो बहुत नॉर्मल लड़की करे तो नॉर्मल नहीं है रहना चाहिए तो लड़कों के लिए भी ये सवाल आप लड़कों से क्यों नहीं पूछते वहां पर शादी क्यों नहीं टूटती है वहां पर भी सवाल लड़कियों से ही पूछा जाएगा अरे तुम्हें ध्यान नहीं दी होगी अभी कह रही थी ना डॉली डौ, कि खुश रखना होता है लड़कों को तुम ध्यान नहीं दे, इसमें भी लड़कियों की गलती है अगर लड़का कुछ गलत करते हैं तो तो ये आइडियोलॉजी जब तक नहीं चेंज होगा ना जब तक हम लोग जेंडर बेसिस पे चीजों को अलग अलग नजरिए से देखना बंद नहीं करेंगे तब तक चीज कभी नहीं एक चीज अगर वो गलत है तो सबके लिए होना चाहिए लड़के के लिए भी गलत होना चाहिए लड़कियों के लिए भी गलत होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे ना चीज मतलब जी गलत जज किया जाता है जो कि बहुत गलत है ये थोड़ा सा हार्ड हो गया हमको लगता है कि देखिए पे सवाल उठता है ये बिल्कुल सही है इसमें हम कोई डाउट नहीं है लड़कों से हम फिर भी आज तक नहीं कोई पूछा है। हम झूठ नहीं बोलेंगे सामाजिक बात है इसलिए लेकिन एक बहुत बड़ा बात यह ना कि लड़की भी नहीं मानेगी इस बात को ओपनली आप बहुत क्लियरली मान लीजिए इस बात को हो सकता है कि आप लोग एक्सेप्शन हो लेकिन अगर आप परसेंटेज में बात करें और डेटा में बात करें तो परिवार और समाज के लड़कियों को ताना मारता है ये हम मानते हैं लेकिन आप जब आपस पति पत्नी की बात पर जाएंगे आप खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को अगर पति बोले तो पत्नी भी कोई चुप नहीं रहेगी वो मारेगी उसको पीटेगी गाली क्लोज करेगी जैसा पति करेगा तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि वर्जिनिटी का सवाल पे जैसे आपने एग्जांपल दिया कि लड़का बाहर रहता है ये बात बिल्कुल सही है मान रहे है। लोग ऐसा कहते हैं कि लड़का बाहर रह गया होगा कुछ गलतियां हो जाती है मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था भाई मंच पर जाकर कि लड़के हैं गलती हो जाती है तो बहुत घटिया बयान था लेकिन यह कभी मानने लायक बात नहीं है कि लड़की इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी आप यह इंडिया होल सोसाइटी हमने सेक्स को नॉर्मल नहीं किया है तो यह बात सही होगी लड़का और लड़की हम दोनों के लिए सेक्स एक हाइप है आप समझिएगा यूएस में बहुत लोग बहुत सेक्स करता है यूएस का करेंसी का डॉलर का औकात कितना और इंडिया का कितना देख लीजिए बयासी रुपए नीचे है हम लोग तो हम लोग को यह बात करना चाहिए अगर इस बात पे कि ज मेल और एज अ फीमेल नहीं किए कह रहा है कि पति बोले किसान हम और हमको लगता है कि ग्लू, मतलब देश हम लोगों को, सेक्स को हाइप नहीं बनाना है सेक्स कोई भी कर सकता है जिस दिन हम लोग ये समझ गए कि सेक्स दो बीच दो आदमी के बीच का जिसमानी संबंध है उस दिन हम सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम लोग ये नहीं समझ लगता है कि ना सेक्स कर लिए अब तो ये हाँ, अधिकार हो गया हमको लगता है ये गलत हो जाएगा फिर आपने कहा कि लड़की नहीं स्वीकारेगी डॉली ने वही कहा लड़की क्यों नहीं स्वीकारेगी जब लड़का वो सुनने के लायक रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा वो करेगा ही नहीं वो सुनेगा ही नहीं कि तुम वर्जिन हो वो भले खुद सेक्स की बात बोलेगा कि तुम वर्जिन नहीं हो, लेकिन उसके पहले अगर लड़की बोले तो उसे छुएगा भी नहीं, लेकिन अगर वही लड़का बोले तो वो लड़की छुएगी लड़की के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा आ, ऐसे ऐसे मामले सामने और यहाँ बात सेक्स नॉर्मलाइज करने की गलत समझा आपको माइक आपके पास संचालक आपको लड़का और लड़की के सेक्स और वर्जिनिटी पे सवाल नहीं है बात ये आप समझिएगा आपने ये कहा था अभी अपने पिछले वक्तव्य में कि लड़की मान लेगी लड़की भी नहीं मानती है इस बात को हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़की वर्जिनिटी पूछती है आई एम नॉट सेइंग दैट लड़कियों से वर्जिनिटी पूछा जाता है ये बिल्कुल आप सही करिए आप फिर रिपीट कर रहे हैं अपने आपको हम अगर लड़का जाकर बोले पति जाकर बोले पत्नी को कि हम सेक्स करके आए तो उसको पीटेगी हल्ला करेगी और आज की लड़की पुलिस थाना चल जाएगी वो नहीं बोली कि अच्छा ठीक है बाबू करके आए तो कोई बात नहीं है वो उस पर सवाल उठाएगी जैसे लड़का नहीं उठता हाँ वर्जिनिटी वाला बात वाला वर्जिनिटी में तो लड़कियों को प्रताड़ित

अगर ये माइंडसेट है ना अगर लड़की एक्सेप्ट लड़का एक्सेप्ट नहीं करता है तो लड़की भी नहीं करती अगर खुद अगर लड़की का वैसा माइंडसेट है और लड़का अगर उसको काकी कहे तो वो कहेगी कि नहीं भाई हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन उस बात का वैल्यू नहीं रह जाएगा अगर वो सोसाइटी के पास जाएगी अपने घर पे जाएगी इस बात को लेकर कि देखो ऐसा ऐसा बात है तो घर वाला उस बात को वैल्यू ही नहीं देगा वो कह, यही कहेगा कि लड़के हैं ही ऐसे लड़के बाहर जाते हो जाती है गलतियां तो ये मुद्दा है कि ये नहीं मुद्दा है कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा अगर वो टोटली हो सकता है उसके याद बात कर सकता है आदमी तो है। समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा बात याद लेकिन याद रखिएगा कोई लड़का या कोई लड़की बात बंद कमरे में नहीं सुनेगा आप ये नहीं कह सकते कभी कि आप लड़की को पति बोलेगा सुनो शादी के पहले हम तीन लड़की के साथ सोएंगे सोए हैं और

चार दीवारी में जब कोई बंद होता है ना तो वो सवाल का क्लियरेंस जरूरी है तब सब ये देश हम लो को लग, हम लग, लोग सेक्स का बात करते वक्त तो मुस्कुराएंगे नहीं हम कभी कभी मुस्कुराए तभी हम काबिल नहीं हुए कैमरा जब तक हम सेक्स बोल करके लड़की को के कांख नहीं मार दिए मुस्कुरा नहीं दिए दोस्त को चीटी नहीं काट दिए तब तक सेक्स हाइप रहेगा इस देश में और आप उठा के देख लीजिए कई देश लोग बोलता है कि ठीक नहीं है लेकिन आप देखिए लोग कितना तरक्की किया पता है क्यों क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है सोचना कि कौन के साथ सेक्स किया उसको ही टाइम है बाप सुबह हो गया आई हैव टू गो फॉर वर्क हमको लगता है ये हाइपनेस को समाज से हटाना जरूरी है तो इसमें लगता है कि जो प्रताड़ना लड़कियों के साथ हुआ है ये गलत है इसमें कोई संदेश की बात संदेह की बात नहीं है हमको लगता है कि ये हाइप अगर हटाया जाए तभी कुछ हो पाएगा देखिए एक चीज जैसे आपने कहा कि पुरुष या और मतलब जेंडर की बात आ जाती है सेक्स को लेके आप सोचिए अगर किसी के भाई की शादी हो रही है मतलब मम्मी पापा को तो छोड़ी देते हैं वो दूसरी पीढ़ी के हैं बहन जो अपने एक हाँ। साथ पीढ़ी में है वो पढ़े लिखी अच्छा है अगर पता चल गया कि भाई आके बोल देता है कि मेरी जैसे शादी हो रही है वो पहले उसने बताया मुझे हाँ। कि पहले से सेक्स कर चुकी है जाके तुरंत बहन बोलेगी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर वो दिक्कत है हमारे सोच में दिक्कत है हम उतने अभी नहीं हुए अवेयर या हमारे मन से वो नहीं निकला है हाइप की भाई ये बहुत बड़ी बात है कैसे कर लिया तो कैसे कर लिया तो ये चीज़ है अभी दिक्कत ये अभी जेंडर बेसिस पे नहीं है वो जो वर्जिनिटी वाला है उसमें महिलाएं भले अकेली पीड़ित है लेकिन ये सेक्स वाला जो है अभी इसका हाइप जेंडर बेसिस पे नहीं है सब किसी के साथ घूम रहा था पता चलता है क्या पिज्जा खाते हुए फोटो आ जाता है ना शादी के पहले अभी गांव में पटना का तो नहीं बोलेंगे गांव चल जाएगा बाप तो रे पिज्जा खा रही थी लड़का के साथ ब्याह नहीं करेंगे इससे दहेज का पैसा वापस होता है पता कर लीजिए दहेज का पैसा एक हजार दिया आता है, है। टोकन अमाउंट वो टोकन अमाउंट भेज देता था कि ना, ना तो लड़की ठीक नहीं है भाई हम ब्याह नहीं करेंगे तो बहुत बात है तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि कैसे इस चीज़ को खत्म किया जा सके यहाँ सेक्स नॉर्मलाइज नहीं करना है लेकिन हाँ सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें होती हैं कि लड़की वर्जिन है या नहीं ये चीज़ पूछना ही नहीं चाहिए लेकिन अगर आप पूछते भी हैं तो अगर लड़की भी पूछती है तो सिर्फ महिलाओं से नहीं ये पुरुष से भी पूछना चाहिए और सबसे बड़ी बात तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए तो कंक्लूड करते हैं और प्रशांत आपसे शुरू करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को नॉर्मल कर सके हमको लगता है वो पवित्रता नाम का कोई दुनिया में चीज है नहीं है ना बचा है हमको लगता है ठीक है दो ही बात है एक लड़कों को सेक्स करने में जो सेक्स नहीं किया मजा आता है और एक होता है कहा जाता है जो पुराने ख्यालात के हैं कि पवित्र है लड़की ये दोनों बात अभी एग्जिस्ट नहीं करता है सदी में मेरे हिसाब से तो वो लड़का या वो माँ बाप जो ये एक्सपेक्टेशन रखा है वो बहुत बुरा है पहला बात और दूसरा बात यह है कि सेक्स करने से कोई अपवित्र नहीं होता है ना ही लड़का होता है ना ही लड़की होती है सेक्स एक कॉमन क्रिया है मतलब फॉर एग्जाम्पल दस मिनट का क्रिया है जिससे आपका जिंदगी डिसाइड नहीं होता है आपका जिंदगी डिसाइड ये होता है कि आपका नाम क्या है आप क्या करती है

पार्टी में जाता है उसकी पत्नी जो कहीं वर्किंग है वो तो आती है घर पे जल्दी आती है तो बच्चा संभालती है खाना बनाती है वो एक दिन बोल दे कि हमको आज जाना है बर्थडे पार्टी है दो बजे रात को आएंगे तो बिफर जाता है तो हमको लगता है ना कि अपना गांधी जी वाला कहानी है ना गुड़ पहले अपना खाना बंद करिए तब दूसरा का बोलिए तो ये बहुत गलत बात है हमको लगता है एक आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि वो आदमी अब तक क्या किया है तभी उसको सामने से एक्सपेक्टेशन रखना है और हमको एक और बात लगता है कि वर्जिनिटी वाला मामला सब बहुत छोटा मामला है इस पर डिस्कस करके हम लोग मतलब अपने देश को पीछे कर रहे हैं इसको जल्दी खत्म करो सोचना खत्म करो ताकि हम लोग इस पर बात करें कि मिसाइल कब बनेगा स्टार्टअप कब होगा किसी भी चीज की शुरुआत घर से होती है तो आप बहुत पर्सनल सवाल है लेकिन ये पूछना जरूरी है ताकि लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो सके तो क्या आप दोनों जो है वो अपनी पार्टनर से ऐसा कुछ चाहेंगे और अगर वो वर्जिन नहीं हुई तो आपका क्या रिएक्शन होगा एक तो हमको समझ में नहीं आता कि वर्जिन वर्जिन कैसे होगा होगी या नहीं होगी तो हमको इसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा बात यह है कि देखिए हम मतलब एक हम अगर लिटरेट आदमी है पढ़े लिखे आदमी है तो अगर हम ये बदलाव नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा बात समझ समझिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप भी उसमें थी माँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि माँ ही पानी देती है माँ ही खाना देती है तो हम उनके हमारा बोले थे ये बात कि हम अब उसको थैंक यू बोलते हैं अगर आएगी अगली बार ऑफिस में तो आप पूछिएगा हम, हम सच में उसको थैंक यू बोलना शुरू किए हैं तो हमारा बहुत क्लियर कट है एज ए लड़का हमको अच्छा लगा हम सवाल पूछिए हमसे हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी बीवी किसी के साथ संबंध में रही है चाहे नहीं रही है और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अगर जो भी दो चार लोग हमको देखता है वो सुन ले इस बात को हम उसे बाकायदा इस बारे में बात करेंगे कि तुम्हारा कितना बॉयफ्रेंड था तुम्हारा लाइफ कैसा था ताकि वो इमोशनली और फिजिकली हमसे सब जुड़ सके और ये लगे कि हाँ हम लोग मतलब दूल्हा और दुल्हन है ये ना लगे कि हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में है बिल्कुल जैसे पहले कहा कि कोई ऐसा साइंटिफिक कुछ है ही नहीं जिससे पता चल सके क्योंकि सब वो जैसे शरीर की बनावट के ऊपर है किसी का वो हाइमन जि, जिसको बोलते हैं वो वर्जिनिटी उसका कॉम्प्लेक्स होता है किसी में उसकी बनावट वहाँ पे झिल्ली ज़्यादा होता है तो उसका ब्लड आता है किसी में होता ही नहीं है तो वो साइकिलिंग भी नहीं करे तब भी ब्लड नहीं आएगा तो ये कहीं से भी जस्टिफाई हो ही नहीं सकता है तो सवाल ही बिना मतलब का है किसी से पूछ क्या पता नहीं भले अपने रिश्ते को ख़राब जरूर कर सकते हैं अगर उस पर आप जाते हैं तो संदेह फालतू में पैदा होगा तो जिस जितना जल्दी इससे निकल जाए वो ज़्यादा सही होगा तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करना बंद कर दे एक बार ताज बात होटल बहुत महंगा होटल है सब लोग जानते हैं तीस हजार में जो थाली मिलता है ना थाली में कोई खाना खा चुका होता है उसको हो, के के चमका से दिया जाता है तो आप बड़का हाइजीन वाले हो गए हैं तो ताज होटल का खाना खा ले रहे हैं एक लड़की जो आपसे शादी हो गया जो आपके लिए जीवन भर साथ रहेगी आधा अर्धांगनी लोग कह रहा है उसको कह रहे हैं कि जूठी हो गई है तो ये सोच सोच का बात है ठीक है आप दोनों लड़कियों से सवाल है कि अगर किसी लड़की से ऐसा सवाल किया जाता है तो वो कैसे इस चीज से डीलिंग कर से हमको लगता है कि ये सवाल तो पहले पूछना ही नहीं चाहिए और अगर कोई पूछ रहा है तो हमको लगता है कि दो चीज़ें हो सकती है या तो आप समझ जाए कि उसका माइंड कैसा है दूसरी ये चीज़ आप उसको समझा सकती हैं ये बात कि शायद हो सकता है कि हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है तुम नहीं समझ रहे हो चीज़ों को समझा सकते हैं क्योंकि अब अभी हम लोग इस स्टेज पे नहीं आए हैं कि अगर कोई लड़का ये सवाल पूछ लिया इसका मतलब उसको जज कर दो क्योंकि माइंड सेट ही वही होते आ रहा है ना तो हमको लगता है कि सामने वाले को समझाना चाहिए इस बात को और अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो हमको लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता इन सारी चीजों का जब तक हम लोग पूरे इन्वायरमेंट को नहीं चेंज कर पाए कि एक एक लड़की के आप मुंह बंद कर देंगे बाकियों का पूछा ही जाएगा हर जगह तो हमको लगता है कि जब तक आप हाँ पूरे होल इन्वायरमेंट चेंज ना करते इसमें सरकार अभी जैसे बिहार में आप वर्जिनिटी वो ला रहे हैं सर्जरी ला रहे हैं तो ये कितना किस ओर आप बढ़ रहे हैं और हमको एट द, 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 द सेम टाइम हम लोग यहाँ बैठ कर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि लड़की से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो वर्जिन है या नहीं कि बकवास है हम लोग इस काम के लिए नहीं ये सवाल होना ही नहीं चाहिए ये उसका पर्सनल चॉइस है भाई तुम हो कौन पूछने वाले तो बिल्कुल नहीं ये सवाल होना चाहिए और जब तक ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा जब तब तक हमें ये पता नहीं चले कोई सवाल ही नहीं है जब ये बहुत फालतू सा सवाल है ये आप वैसा ही है कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है वैसा एकदम फालतू सा सवाल है जो कि बहुत है हम नहीं बताएंगे तुम तो वो भी नहीं बताएंगे और अगर बताएंगे तो बहुत नॉर्मल सी चीज है इतना ट्रस्ट है तुम पे तो हम बताएंगे तो ये सवाल होने ही नहीं चाहिए जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक हमको लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम इतनी छोटी पीछे की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं मुझे लगता है कि लड़कियों से जब वर्जिनिटी पर सवाल की जाती है तो लड़कियों को ये जवाब देना चाहिए कि हाँ हम वर्जिन नहीं हैं क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं हाँ हम वर्जिन नहीं है क्योंकि हम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं हाँ हम हाँ वर्जिन नहीं है क्योंकि हम मर्दों के साथ कंधे मिलाकर चल रहे हैं तो ऐसे में तो हमारी वर्जिनिटी लूज हो गई ना तो ये सवाल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि लड़कियां वर्जिन हैं कि नहीं और तब उन मर्दों को लड़कियों का सफलता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता है जब लड़कियां फाइटर प्लेन चलाती हैं ट्रेन चलाती हैं ऑटो चलाती हैं अपना बिजनेस करती हैं तब उनके दिमाग में ये सवाल नहीं आता है लेकिन वही लड़की जब उनके साथ बेड पे आती है तब उनको चाहिए होता है कि अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम कितनी पवित्र हो और कितनी नहीं हो और हो कि नहीं हो और कितनों के साथ सेक्स की हो कितनी बार की हो तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लड़कियों को जब ऐसे सवाल का सामना करना पड़ता है तो उनको वही समझ जाना चाहिए कि सामने वाले की मेंटेलिटी कैसी है दूसरी चीज कि लड़कियों को ही ये सवाल लड़कों से करना चाहिए कि वो कैसे साबित कर पाएंगे वो वर्जिन है कि नहीं क्योंकि इसके पीछे तो कोई विज्ञान ही नहीं है भाई वो लड़, उन लड़कियों का भी वर्जिनिटी लूज हो जाता है जो सेक्स नहीं करती है घुड़सवारी करती है एक्सरसाइज करती है काम करती हैं तो ये सवाल तो लड़कों से होना चाहिए कि आप ही बता दीजिए कि हम लड़कियां सेक्स किए हैं या नहीं वर्जिनिटी लूज है लूजा कैसे साबित करें बात वही है कि आपको ये भूलना पड़ेगा कि तुम करो तो रास लीला हम करें तो कैरेक्टर ढीला यानी कि लड़के कुछ भी कर सकते हैं और लड़कियां करें तो उनके कैरेक्टर से लेकर उनके मा, उनके माता पिता उसके परिवार तक आप सवाल लेकर पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं है सबसे पहले बात यह है कि आपको वर्जिन है लड़की या नहीं है लड़का वर्जिन है या नहीं है यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है किसी की वर्जिनिटी पर आप सवाल उठा ही नहीं सकते हैं जैसे कि नेहा ने कहा कि इट्स लाइक फोन पासवर्ड अगर वो फोन पासवर्ड हम कभी किसी को बताते हैं जिससे हमें ट्रस्ट होता है जिसपे हमें लगता है कि वो फ़ोन कुछ भी चेक कर ले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको सब कुछ पता है और अगर कुछ वैसा मिलेगा भी तो वो ट्रस्ट करके समझेगा या समझेगी कि हाँ हो सकता है तो अगर लड़का लड़की अगर किसी के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाया है तो अगर आप पे ट्रस्ट है आप उस लायक है तो आपको ज़रूर बताएगा इसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क करके उसको अनकंफर्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है इस बात को समझिए और हर वक्त महिलाओं को टारगेट मत किया कीजिए बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए शादी के बाद फ़ोन पासवर्ड मत दीजिएगा हमको बहुत डर है भाई हम नहीं चाहते हैं शादी टूटे आप प्लीज़ मत दीजिएगा आप दीजिएगा आप खुल सब डिलीट करके कर दीजिएगा इंस्टाग्राम हो जाएगा आदमी फंस जाएगा दिक्कत हो जाएगा <laughs> अगर <laughs> मतलब वो अगर पढ़ाई पे फोकस करे तो ये बात ही नहीं आएगी अगर सक्सेसफुल होने पर फोकस करे तो कोई बात नहीं आएगी क्योंकि ये जमाना भारत जहाँ पर भारत में संस्कृति और वो समाज की बात होती है वहाँ सनी लियोनी जैसी एक्ट्रेस भी एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि वो सक्सेसफुल है उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है यहाँ पे जब हमारे टीचर हैं जिनको सीख देने के लिए रखा जाता है लेकिन जैसे ही एट नाइन्थ में रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है तो बोलते हैं कि तुमको तो सब पता होगा छोड़ना उसको अपने से पढ़ लेना तो ये चीज़ अगर निकल जाए मन से जबकि जानता वो कुछ नहीं है केवल गलत गलत बातें जानता होता है और हमको तो लगता है वो टीचर को भी नहीं पता होता उस समय कि वो ठीक से समझा सके तो अगर वो बात करने लगेंगे अच्छे से जिसपे डिस्कस होना चाहिए उस पर नहीं करते हैं जहाँ सक्सेसफुल होने के लिए बताया जाता नहीं वो नहीं करते हैं हम लोग दिन रात वो सेक्स का जो हाइप फालतू है उस उस पर मतलब समय खराब करते हैं।, हैं तो ये अगर खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा आप सक्सेसफुल हो आपके बारे में कोई पूछने वाला नहीं होता एजुकेशन की जरूरत है वो सेक्स एजुकेशन हो या फिर नॉर्मल एजुकेशन हो वो हो रहेगा तो आप ऐसे फालतू तो चीजों में फंसेगे ही नहीं बाकी आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए अगले हफ्ते फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद